फिल्म मेकर अनुराग बासु ने ऋषि कपूर के इलाज के वक्त की थी रणबीर कपूर की मदद। ऋषि कपूर के बीमारी के बारे में जानने वाले शुरुआती लोगों में अनुराग बासु शामिल थे। एक इंटरव्यू के दौरान किया ये खुलासा, मैं पहले कुछ लोगों में से था जिसे इस बारे में पता था। हमने इस बात पर चर्चा की कि उन्हें कौन सा उपचार दिया जाना चाहिए। मैंने अपने डॉक्टर का नंबर उनके साथ साझा किया और उन्होंने उससे बात की और मुझे बताया कि उन्होंने क्या फैसला किया था। डायरेक्टर शशांक खेतान ने फिल्म मिस्टर लेले के नाम पर होने वाले कास्टिंग स्कैम का खुलासा करते हुए लोगों को आगाह किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक मैसेज शेयर करते हुए बताया कि उनकी फिल्म में काम दिलवाने के लिए कोई नए एक्टर से पैसे ले रहा है। डालिए एक नज़र उस पोस्ट पर। कंगना रनौत बनी अपनी बहन रंगोली की हेयर स्टाइलिस्ट। दिया रंगोली को नया लुक, रंगोली को भी खूब पसंद आया उनका ये नया लुक। डालिए एक नज़र। दिशा पाटनी के बर्थडे पर टाइगर श्रॉफ ने किया स्वीट बर्थडे विश, शेयर किया ये वीडियो। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस एक सिल्वर फेस मास्क लगाए दिख रही है। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, वीकेंड के लिए तैयार हो रही हूँ। कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना को उनके फिल्म गुलाबों सताबों के लिए कहा ऑल द बेस्ट। बता दें कि ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर अब दर्शकों के लिए हाजिर है। हाल ही में सारा अली खान ने एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के तर्ज पर अपना एक फनी मीम शेयर किया है। इस पोस्ट में वो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की मदद से लॉकडाउन में अपनी हालत बयां करती नजर आ रही है। डालिए एक नज़र। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा स्टार ऑफ फिल्म बाजीराव मस्तानी अब एक बार फिर दर्शकों के सामने वापसी करने को तैयार है, लेकिन इस बार अंदाज जरा अलग होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस फिल्म को स्टेज पर म्यूजिकल लाइव के रूप में पेश किया जाएगा। वरुण धवन ने जिम करते वक्त किया अपना फनी डांस वीडियो शेयर। डालिए उस वीडियो पर एक नज़र। तापसी पन्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की फिल्म गुलाबों सताबों की तारीफ। क्या कहना है तापसी का, आइए जानते हैं।